मैं खुद को व्यापारी नहीं मानता, अमूमन बिजनेसमैन पढ़ाई लिखाई पर पैसे खर्च नहीं करते, पर मैंने अपनी सारी जिंदगी एक छात्र बनकर बिताई है। ये बात कोई और नहीं, घनश्याम दास बिरला जी का कहना है। वो कहते हैं कि आगे पढ़ना है, आगे बढ़ना है तो पूरी जिंदगी भर छात्र बनकर सीखते रहें। वो कहते हैं कि एक इंटरव्यू में मुझसे एक सवाल पूछा गया कि जूट ब्रोकर से बिजनेस शुरू करके 70 सालों में 1000 करोड़ रुपये का साम्राज्य कैसे बना लिया, इस सफलता का आखिर राज क्या है। तो मैं उनसे बताया कि मुझे नहीं पता कि सफलता का अर्थ क्या है। सफलता और असफलता लोग अपनी समझ के हिसाब से देखते हैं। जब आप किसी चीज़ को सफलता कहते हैं, तब जो कुछ भी हुआ उस पर मैं गर्व नहीं करता। इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा वश नहीं चलता। जिसे आप सफलता कहते हैं, कई बार असफलता की तरह इसे भी लोग दर्ज करते हैं। परिणाम की परवाह किए बिना जीवन में आगे बढ़ते रहिए, ईमानदार रहिए और मेहनत करते रहिए। काम में दक्षता ही काफ़ी नहीं, ईमानदारी भी जरूरी है। 12 साल की उम्र में बिजनेस के क्षेत्र में मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, लेकिन 16 साल की उम्र में स्वतंत्र रूप से मैं व्यापार करना शुरू किया। उस समय देश अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। जब युवा था तो देखा कि ईडन गार्डन में जहाँ अंग्रेज सैर करते थे, वहाँ भारतीय नहीं टल सकते थे। यही सब देखते हुए मैं बड़ा हुआ। मुझे किसी ने पूछा कि उम्र के किस पड़ाव पर मेरे बिजनेस ने गति पकड़ना शुरू किया। मैं उनसे कहता हूँ कि यह भ्रम है। दरअसल कुछ चीज़ें ईश्वर की कृपा या प्रकृति के चलते आप तक बिना उसकी उम्मीद किए ही आ जाती है। हम किसी न किसी ताकत के सहारे या उसके पीछे चलते रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी हमने कभी योजना ही नहीं बनाई। आप जैसे गांधी जी के साथ मेरा जुड़ाव देखिए, ये बिना किसी योजना के तहत शुरू हुई। गांधी जी मेरे जीवन में आए क्योंकि मैं उनसे मिलने के लिए गया। मुझे कहना होगा कि गांधी जी के सोहबत में आने से मुझे बहुत लाभ हुआ। जीवन में बड़ा काम करने के लिए कोई ना कोई प्रेरणा बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ मेरी प्रेरणा स्वास्थ्य है। जीवन में मोटिवेशन आता जाता रहता है। आप परिभाषित नहीं कर सकते कि कोई चीज़ क्यों हुई, मोटिवेशन मिला नहीं मिला। जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छी सेहत होना बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन में 85 बसंत पूरा करने के बाद भी मैं रोज़ाना 6 किलोमीटर घूमता हूँ। सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, कहीं बाहर घूमने जाता हूँ, तब और ज़्यादा पैदल चलता हूँ। गरिष्ठ खाने से बचता हूँ। अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने नियमित रूप से कसरत की है। बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। मैं जीवन के आखिरी क्षण तक छात्र बनना चाहता हूँ, छात्र बने रहना चाहता हूँ। लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर मैं व्यापारी नहीं होता तो आखिर क्या होता। मैं भले व्यापारी रहा हूँ, लेकिन मैं उस परिप्रेक्ष्य में खुद को व्यापारी नहीं मानता, क्योंकि बिजनेसमैन सिर्फ रुपए पैसे की बात करते हैं। वह पढ़ाई लिखाई के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं, पर वह पढ़ाई लिखाई में पैसे कहाँ खर्च करेंगे। पर मैंने अपनी सारी ज़िंदगी छात्र जीवन की तरह जिया है। मेरे हिसाब से दुनिया के सभी खजाने और धन बेकार हैं जब तक कि आप उस धन को किसी और पर खर्च नहीं करते या किसी और के साथ साझा नहीं करते। कभी कभी आपको इस तथ्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि कुछ चीज़ें कभी इस्तेमाल करने के लिए वापस नहीं आएगी। मेरे हिसाब से कभी भी उस व्यक्ति को अपना जीवन चलाने के लिए नहीं कहें जो कभी भी आपके जीवन का हिस्सा ही नहीं रहा हो। किसी भी भावनाओं के साथ न खेलें, क्योंकि आप स्वयं भी अनिश्चितता के अधीन हैं। अगर जीवन में सफल होना है तो अपने जीवन को छात्र जीवन की तरह व्यतीत करें। एक सबसे बड़ा लीडर एक रीडर ही होता है, क्योंकि आप जितना पढ़ेंगे उतना आपके पास ज्ञान अर्जित होता रहेगा हर क्षेत्र से, और आपकी कार्य क्षमता उस अध्ययन के चलते और ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करती है। जी हाँ, अगर देखिए, आपने कभी महसूस किया नहीं होगा, लेकिन आप इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट की तरह ले सकते हैं। आप कोई ऐसी मोटिवेशन बुक उठाए और आप पढ़ते रहें। कभी 2 पेज, कभी 4 पेज ऐसे पढ़ें, आपको लगेगा कि हाँ, आप में एक नई ऊर्जा प्रवाहित होने लगी है। अगर ऐसा नहीं है तो आज से ही करके देखें। जिंदगी में हर चीज़ उड़ाव चढ़ाव आते हैं। ज़रूरी नहीं कि आज आपके
मन विचलित है, मन इधर उधर है, तो आपका मन एकाग्र हो सकता है। किसी एक अच्छे बुक का सहारा लीजिए और उसे पढ़ें। एक बुक ही है जो अगर आपको ज़्यादा मोटिवेट लगे, उस बुक को उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको लगेगा कि हाँ, आपकी ज़िंदगी में थोड़ी ऊर्जा ज़रूर आई है, आप फिर उठ खड़े होने की ताकत महसूस करेंगे। आपको पता नहीं होगा लेकिन दुनिया के सबसे महान बिजनेसमैन बिल गेट्स भी एक अच्छे रीडर हैं, एक अच्छे रीडर हैं जो कि एक हफ्ते में कई कई बुकें पढ़ लिया करते हैं। आप इसे समझ सकते हैं कि आखिर एक पढ़ाई का क्या, एक अध्ययन का, एक रीडर का क्या ताकत होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।